आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में आपको टेस्ट भी देना है, तो वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर सिस्टम में कितने टाइप की मेमोरी होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, टू टाइप की होती है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से कौन सी दो टाइप की मेन मेमोरी होती है। तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन ये गलत है। राइट आंसर होगा ए नंबर, रैम एंड रोम। क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी है और उसी का दो टाइप है, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल है, इसे हम मेन में काउंट नहीं करते हैं। तो एक चीज आपको क्या याद रखना है, जब भी कंप्यूटर की टू टाइप्स की मेन मेमोरी की बात होगी तो वो रैम और रोम है। अगर आपसे क्वेश्चन नॉर्मल पूछता है कि कंप्यूटर में कितने टाइप की मेमोरी होती है, तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी में टिक करेंगे। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप जरूर पूछेंगे। और एक चीज़, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो उसे कमेंट में साथ साथ जरूर लिखें, इससे आपका रिवीजन होगा। नेक्स्ट है, द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। हम कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से भी जानते हैं? पहला है इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज। राइट आंसर होगा डी नंबर, इन सभी नाम प्राइमरी मेमोरी का ही है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी? सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर होगा सी नंबर, कॉम्पैक्ट डिस्क। द सीडी वॉज इन्वेंटेड बाय। सीडी को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो राइट आंसर होगा सी नंबर, जेम्स रसेल। डीवीडी स्टैंड्स फॉर। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, बोथ ए एंड बी, डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इन दोनों नाम से हम डीवीडी को जानते हैं। व्हाट डज एमबी स्टैंड फॉर? एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर होगा डी नंबर, मेगा बाइट। व्हाट कम्स आफ्टर आ टेरा बाइट? टीबी के बाद क्या आता है? तो राइट आंसर होगा पेटा बाइट, जिसे हम शॉर्ट में पीबी कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज। इनमें से कौन सा स्टोरेज का सबसे छोटा यूनिट है? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, बीट। मेमोरी इज मेड अप ऑफ। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी होती है वो किससे बनी होती है? सेट ऑफ वायर्स, सेट ऑफ सर्किट्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। व्हाट इज द रेंज ऑफ अ बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम का रेंज क्या होता है? 0 to 1, 0 to 8, 0 to 16 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, 0 to 1 रेंज होता है किसका? बाइनरी नंबर सिस्टम का। फिच मेमोरी इज द एक्चुअल वर्किंग मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम की इनमें से कौन सी एक्चुअल वर्किंग मेमोरी है? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, रैम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? इनमें से कौन सा रैम का सही फुल फॉर्म है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड। हम ऑक्सिलरी मेमोरी को और किस नाम से भी जानते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा
बी नंबर सेकेंडरी मेमोरी, इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, किसी का भी यूज़ करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो राइट आंसर बताने से पहले हम एक एक करके रीड करते हैं। पहला है, इट इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर दैट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरीज। ये नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है और प्राइमरी मेमोरी से स्लो होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है अगर आपका पावर चला जाता है तो भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा। सेकेंड है, डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। वही है कि जो डेटा होता है वो परमानेंटली हमारे सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है, चाहे पावर ऑफ हो जाए तो भी। कंप्यूटर मे रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी रन कर सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी, इसे हम बैकअप मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हमारा ई नंबर होगा, ये सभी स्टेटमेंट जो दिया गया है सेकेंडरी मेमोरी का सही है। अगर आपको रिटन एग्जाम देना है तो भी आप इन सभी पॉइंट्स को एग्जाम में लिख सकते हैं, इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पॉइंट वाइज देते हैं तो आपके नंबर नहीं कटते हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर आर, जब हम कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो पहला कहता है परमानेंट स्टोरेज, वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए, परमानेंट स्टोरेज तो हमें मिलता ही है, और वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब है कि स्टोरेज कैपेसिटी भी हमें बहुत हाई रहता है। स्टोर्स डेटा दैट इज नॉट करेंटली बीन यूज्ड बाय द सीपीयू, और जो भी डेटा हम सेकेंडरी मेमोरी में यूज करते हैं उसे डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं किया जाता है, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हमारा डी नंबर होगा, सेकेंडरी मेमोरी यूज करने के ये सभी एडवांटेजेस है। आप इन्हें भी याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे ज्वाइंट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी और इसके यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस है। मेमोरी स्टिक इज लॉन्च्ड बाय, मेमोरी स्टिक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, सोनी। फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, फ्लैश मेमोरी को हम और किस नाम से भी जानते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए नंबर, फ्लैश रैम। अ हाफ बाइट इज नोन एज, हाफ बाइट इनमें से किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, नीबल के बराबर। विथ अ सीडी यू कैन, आप सीडी के साथ क्या कर सकते हैं? रीड राइट, रीड और राइट दोनों, इधर रीड और राइट। तो राइट आंसर हमारा सी नंबर होगा, रीड एंड राइट आप दोनों कर सकते हैं सीडी के साथ। अगर आप कुछ रीड करना चाहते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। 1024 KB इज इक्वल टू, 1024 KB इनमें से किसके बराबर होता है? 1 MB, 1 GB, 1 TB। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 MB के बराबर होता है, कितना? 1024 KB। अ गीगाबाइट इज इक्वल टू, 1 GB किसके इक्वल टू होता है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, 1024 MB, यानी कि 1024 MB होता है, कितना? 1 GB। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की वैलिड मेमोरी नहीं है? तो आपने प्राइमरी मेमोरी नाम सुना है, सेकेंडरी मेमोरी नाम सुना है, टर्शियरी मेमोरी नाम सुना है, पब्लिक मेमोरी, क्या आपने ये नाम सुना है? नहीं, और यही हमारा राइट आंसर होगा, ये कंप्यूटर की वैलिड मेमोरी नहीं है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल, रैम कितने टाइप के हैं?
2, 3, 4 या 5। तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर। वो कौन कौन सा होता है? तो एक होता है यस रैम और दूसरा डी रैम। यस रैम स्टैंड्स फॉर, यस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है इनमें से? तो हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं। राइट आंसर होगा ए नंबर, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर ऑफ यस रैम? इनमें से कौन सा स्टैटिक रैम का फीचर है? एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी, ये आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? इससे पहले हम एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ फास्टर दैन डी रैम। जो यस रैम होता है वो डायनेमिक रैम से ज़्यादा फास्ट होता है। इट इज़ बिगर इन साइज एंड मोर एक्सपेंसिव दैन डी रैम। ये साइज में बड़ा भी होता है और मोर एक्सपेंसिव भी होता है, किससे? डायनेमिक रैम से। इट रिक्वायर्स लेस पावर कंजम्पशन। और यस रैम को जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें ये पावर कम कंज्यूम करता है। और राइट आंसर हमारा डी नंबर ही होगा। ये सभी यस रैम के फीचर हैं। ये क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हैं, रिटेन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। वॉट डज डी रैम स्टैंड फॉर? डी रैम का इनमें से कौन सा करेक्ट फुल फॉर्म है? ए, बी, सी और डी। तो राइट आंसर होगा डी नंबर, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। द की फीचर ऑफ डी रैम इज, इनमें से कौन सा डायनेमिक रैम का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है? तो करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड चीपर दैन स्टैटिक रैम। जो डायनेमिक रैम होता है ये स्टैटिक रैम से लेस एक्सपेंसिव और चीपर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम बहुत फास्ट होता है? तो करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, कैश मेमोरी का। विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज एज कैश मेमोरी? हम किस टाइप के रैम को एज अ कैश मेमोरी यूज कर सकते हैं? रैम का टाइप दो ही होता है, एक होता है यस रैम और दूसरा डी रैम, या फिर इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यस रैम को हम एज अ कैश मेमोरी भी यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स रिफ्रेश टू स्टोर इन्फॉर्मेशन? इनमें से कौन सी मेमोरी है अगर आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें आपको रिफ्रेश करना ही होगा? तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, डी रैम। डी रैम में जब भी हम काम करते हैं तो हमें रिफ्रेश की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। मेमोरी दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर? इनमें से कौन सी मेमोरी है जो डायरेक्टली सीपीयू, यानी कि प्रोसेसर को हम सीपीयू कहते हैं, उसके द्वारा एक्सेस नहीं किया जाता है? कैश सिस्टम, इंटरनल या एक्सटर्नल? तो राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, एक्सटर्नल मेमोरी को डायरेक्ट सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं किया जाता है। ये हमने व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी और एडवांटेजेस ऑफ में बताया है। ये सभी चीज़ें आप याद रखिए, आपको भूलना नहीं है। वीडियो के लास्ट में आपको टेस्ट भी देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज इन अ डिजिटल कैमरा? डिजिटल कैमरा में इनमें से किस मेमोरी का यूज किया जाता है? तो राइट आंसर हम आपको सीधे बताते हैं, डी नंबर, फ्लैश मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या होता है? रैम ओनली, रोम ओनली, या फिर दोनों, या फिर कैश मेमोरी? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, प्राइमरी में दो चीज होता है, रैम और रोम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, रीड ओनली मेमोरी। विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन साइमल्टेनियस? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की
मेमोरी है जो आपको रीड के साथ साथ राइट ऑपरेशन भी प्रोवाइड करती है, साइमल्टेनियसली का मतलब ही है साथ साथ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रैम। रैम मेमोरी को हम रीड और राइट मेमोरी भी कहते हैं। इसी क्वेश्चन को आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी और RWM? तो करेक्ट आंसर अब आप बता पाएंगे, बी नंबर। रैम को हम रीड राइट मेमोरी या फिर शॉर्ट में RWM भी कहते हैं। इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डेटा इज रिटन इट कांट बी चेंज्ड? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी टाइप है जिसमें अगर हम एक बार प्रोग्राम या डेटा को लिख देते हैं तो उसे आप चेंज या मॉडिफिकेशन जिसे आप कहते हैं नहीं कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, पी रोम। पी रोम स्टैंड्स फॉर, पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। व्हाट डज EPROM स्टैंड फॉर? इनमें से कौन सा EPROM का फुल फॉर्म है? तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM इज यूज्ड फॉर, EPROM का यूज किस लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हम आपको सीधे बताते हैं, डी नंबर, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग डेटा ऑफ रोम। रोम के डेटा को इरेजिंग यानी कि मिटाने और रिकंस्ट्रक्टिंग का मतलब हो सकता है पुनर्निर्माण करने के लिए हम EPROM का यूज करते हैं। डबल EPROM स्टैंड्स फॉर, डबल EPROM का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो एक चीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं, रैम और रोम। रैम में दो टाइप आता है, यस रैम, डी रैम। रोम में हमने तीन डिस्कस किया, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। सबके आपको फुल फॉर्म भी बताएं, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, एग्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। विच टाइप ऑफ रोम इज यूज फॉर इरेजिंग पर्पसेस ओनली? इनमें से किस टाइप के रोम का यूज किया जाता है केवल इरेज करने के लिए? ये सभी रोम के ही टाइप है। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, डबल ईपी रोम का यूज किया जाता है किस लिए? केवल मिटाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइसेस का एग्जाम्पल है? DVD, टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क या फिर ये सभी? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दिस। कंप्यूटर मेन मेमोरी स्टोर्स, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो इनमें से किसको किसको स्टोर कर सकती है? डेटा अलोन, रिजल्ट्स अलोन, प्रोग्राम अलोन या फिर इन सभी को? तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, All of the above. The computer internal memory consist of, जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है उनमें क्या क्या होता है? हम आपको यहाँ पे सीधे करेक्ट आंसर पे ले चलते हैं, ए नंबर होगा, CPU registers, main memory और cache memory। ये तीनों चीजें आपको इंटरनल मेमोरी में मिलेंगे। Which of the following can be used as main memory? इनमें से किसका ऐसा main memory हम use कर सकते हैं? Hard disk, compact disk, magnetic disk या फिर इनमें से कोई नहीं? Correct answer हमारा D number होगा, none of these. USB stands for, USB का सही full form कौन सा है? Correct answer होगा A number, universal serial bus. What type of storage device is USB? USB किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, सेकेंडरी। Who among the following has maximum storage?
इनमें से कौन सा है जिसका स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा है? तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, टेराबाइट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं टीबी। तो सबसे बड़ा यहाँ पे टीबी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज यूनिट? इनमें से कौन सा मेमोरी का साइज सबसे स्मॉलेस्ट है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, केबी। केबी इनमें से सबसे छोटा है। रैम इज वोलाटाइल इन नेचर बिकॉज, आपने सुना होगा कि रैम वोलाटाइल होता है, तो वोलाटाइल का मतलब क्या होता है और ये क्यों होता है? तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई टू रिटेन द डेटा। ये वोलाटाइल नेचर का इसलिए होता है क्योंकि अगर आप किसी भी डेटा को रिटेन करके रखना चाहते हैं, स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पावर सप्लाई कंटिन्यू चाहिए। अगर पावर गया तो आपका डेटा भी गया। इसीलिए हम कहते हैं रैम वोलाटाइल नेचर का होता है। डैश इज अ वोलाटाइल मेमोरी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है, यस रैम, डी रैम, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, बोथ, दोनों, क्योंकि दोनों रैम के टाइप है और रैम वोलाटाइल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डी रैम? डी रैम के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है? तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन यस रैम। यानी कि जो डी रैम होता है वो एक्सपेंसिव नहीं होता है, वो चीप होता है। किससे? यस रैम से। इसीलिए हमारा बी नंबर गलत है। बी नंबर कहता है कि मोर एक्सपेंसिव है यस रैम से। एस डी रैम स्टैंड्स फॉर, एस डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, सिंक्रोनस डी रैम, यानी कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर हार्ड ड्राइव डेटा? इनमें से कौन सा हार्ड ड्राइव डेटा को प्रोटेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है? वैसे तो सभी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस्ट तरीका आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर डी नंबर होगा, रेगुलर बैकअप्स। हार्ड डिस्क कैन बी फॉर्मेटेड एट द टाइम ऑफ, आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं किस टाइम में इनमें से? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, बूटिंग के टाइम में आप अपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको क्वेश्चन बताया पूछा जा रहा है, आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग ही देना है। अ नॉर्मल सीडी रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू, नॉर्मल सीडी रोम जो होता है वो कितने डेटा को स्टोर कर सकता है नॉर्मली? तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 680 MB। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड रोम, रैम, सीपीयू एंड एक्सपेंशन कार्ड? इन सभी चीज़ों को होल्ड करके रखने के लिए हम इनमें से किसका यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, मदरबोर्ड। ये सभी चीज़ें आपको मदरबोर्ड में मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल? इनमें से कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल नेचर की होती है? तो अब आप इसका आंसर दे पाएंगे क्योंकि हमने डिटेल में भी डिस्कस किया है। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, रोम। तो ये था आज का मेमोरी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आपको टेस्ट देना है। तो टेस्ट का रूल क्या है? टोटल क्वेश्चन 12 रहेंगे और आपको 12 में 12 नंबर भी मिलेंगे। एटलीस्ट आपको 12 में 10 करेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर की इनमें से कौन सी मेमोरी मेन होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? हम उम्मीद करते हैं कि आपने सोच लिया होगा। तो राइट आंसर है ए नंबर, इंटरनल। अब आप मिला लीजिए कि आपने क्या सोचा था। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं है? पहला है सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी पेन ड्राइव,
हार्ड डिस्क या फिर रैम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपने सोच लिया होगा, यहाँ पे राइट आंसर है डी नंबर, रैम। रैम सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं होता है। 1 TB और 1 TB इज इक्वल टू, 1 TB किसके बराबर होता है? 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, 1024 PB। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है सी नंबर, 1024 GB। आपको इतना ही सोचने का टाइम मिलेगा, क्योंकि आप अगर इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनमें से कौन सा रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम, रोम, पी रोम या फिर ये सभी? तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, रैम। रैम का ही फुल फॉर्म तो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की इनमें से कौन सी मेन मेमोरी है, रैम, रोम, बोथ या फिर सेकेंडरी मेमोरी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, बोथ, ये दोनों हैं। स्टोरेज दैट स्टोर्स और रिटेन्स डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर और रिटेन कर सकता है, किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन दोनों को परमानेंटली, पावर चले जाने के बाद भी, उसे हम क्या कहेंगे, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, दोनों या फिर सिक्वेंशियल स्टोरेज? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस वो है जो पावर चले जाने के बाद भी हमारे डेटा को स्टोर कर सकता है, ये सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने यही सोचा होगा। अगर आपका कंफ्यूजन है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, फिर से आपका डाउट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, अब इनमें से कौन सा नॉन वोलाटाइल स्टोरेज का एग्जाम्पल है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी, USB, हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सभी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, ये सभी नॉन वोलाटाइल मेमोरी के ही एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी, ये आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। सीधे करेक्ट आंसर आपको बताना है, इट इज़ फास्टर दैन डायनेमिक रैम, इन स्टैटिक रैम डेटा इज स्टोर्स इन फ्लिप फ्लॉप, नो नीड टू रिफ्रेश फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर होगा, ये सभी स्टेटमेंट स्टैटिक रैम के बारे में सही है, ये हमने फीचर ऑफ स्टैटिक रैम में बताया है। प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज के कंपेयर में क्या होता है, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, स्लो एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, स्लो एंड एक्सपेंसिव? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, फास्ट एंड एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, क्योंकि जो ज़्यादा चलता है वही तो ज़्यादा बिकता है, तो प्राइमरी स्टोरेज फास्ट भी होता है, फास्ट है इसीलिए तो एक्सपेंसिव है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, CPU, CD-ROM, RAM या फिर ROM? तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, रोम। क्वेश्चन नंबर 11 है, द टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर में दो टाइप की कौन सी मेमोरी होती है, रैम रोम, प्राइमरी और सेकेंडरी, मेजर माइनर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने क्या सोचा है, बी नंबर, प्राइमरी और सेकेंडरी, यही कंप्यूटर की दो टाइप की मेमोरी होती है। कैश मेमोरी लॉसेस इट्स इंफॉर्मेशन व्हेन द पावर इज ऑफ बिकॉज इट इज आ, कैश मेमोरी जो होती है ये अपने इंफॉर्मेशन को लॉस कर देता है, खो देता है पावर के चले जाने पे, क्योंकि ये क्या है, ऐसा क्यों होता है,
स्टैटिक इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर, वोलाटाइल इन नेचर या फिर नॉन वोलाटाइल इन नेचर। तो करेक्ट आंसर आपने क्या सोचा है, सी नंबर, वोलाटाइल इन नेचर होता है, इसीलिए पावर चले जाने के बाद ये अपने इंफॉर्मेशन को खो देता है। तो अब आपको ये बताना है कि आपके 12 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के आपको और अगर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।